तो काफी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक से निकला हूँ। समझ में नहीं आता ये लॉकडाउन कैसे खुल चुका है, मतलब क्या बताऊँ। जाओ बेटा, जो करना हो सो कर लो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? और आज का मौसम तो ओहो क्या ही कहने, ऐसे मौसम में बाइक राइड करना अलग ही मजा है। आप लोगों ने कैसे कैसे मौसम में बाइक राइड करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और थोड़ा मौसम के मज़े लो। ज़्यादा बरस रहा है पानी, बहुत तेज़ पानी बरस रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरा भीगने वाला है, साइड में रुकना पड़ेगा मेरे को। यहाँ रुको, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, अभी पूरे भीग गए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर कैमरा पूरा भीग गया था, इसको साफ़ किया, पूरे हम भी भीग गए थे आधे से ज़्यादा, तो मतलब जो फ्रंट का कपड़े हैं वो सारे भीग गए थे, भैया के और मेरे भी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट रुके हैं, तो थोड़ा सा सूखा है, और बाकी तो अभी डेकाथलॉन के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा भैया को जूते लेने थे, इनके जूते रनिंग की वजह से फट चुके हैं, तो दूसरे नए आएंगे, दोबारा से फाड़ेंगे दौड़ दौड़ के। तो बाकी चलते हैं, तो ये रहा, अब चलते हैं नीचे, आ जाओ। Fresh brush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down, enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Hey. इसको नहीं रखना, नहीं अलाउड नहीं है, अपने पास रखिए। चलो चलो, कोई टोकन रख लिया। उसी तरफ उस तरफ ही होंगे ये सारे, तो गर्ल्स के लग रहे हैं ये तो लड़कियों के तो नहीं है, ये लड़कियों का सेक्शन है ये देख रहे हो कितना भीग गया था मैं, और भैया भी पूरे भीगे हैं पर ये शर्मा रहे हैं। किधर है जूते? किधर हाँ सर, पता ही नहीं चलता, मतलब यहाँ पे आने के बाद भटक जाते हैं लोग। हाँ तो चेंज तो हो गई, किधर है पूछ लो, शूज़ किधर? वो रहे ना, वो रहे, वो रहे, रनिंग, हाँ रनिंग शूज, साइकिल, ओ साइकिल के पीछे, अच्छा किधर है? इस तरफ। किधर है? साइकिल के पीछे, ये रही साइकिल और साइकिल के पीछे। थैंक यू भैया। ये वाले तो पहले लिए थे ना ऐसे, आप रिकॉर्ड करिए, मेक श्योर नो वन नो कस्टमर आर कैप्चर्ड, इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग विल ठीक। वैसे लग तो यही ठीक रहे, ये वाले जो पहले लिए थे, ये वाले लिए थे पहले। रनिंग शूज नहीं लग रहे, रनिंग कोई पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, मतलब डेकाथलॉन में आने के बाद शूज समझ में नहीं आ रहे, यहाँ पे तो भंडार है भाई जूतों का, पर कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस है।
लेट्स सी मिलता है या नहीं। ये भी ठीक लग रहा है, ये भी पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है या फिर सिर्फ ऐसे लुक लग ऐसे ही सही। ये रखा हुआ अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा था मेरे को, ये सही अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है। इस वजह से ना इसमें क्या है कि ये जाली है तो इससे क्या है कि पसीना वगैरह सूख जाएगा, रनिंग के लिए बहुत हल्का है तो बढ़िया है, पता ही नहीं चलेगा। सूट पहन रखे हैं, कंफर्टेबल पहन के देख लो एक बार। ड्राइवर चूहा खा जाएगा, चूहा खा जाएगा। घर पे खरगोश भी तो है, वो भी खा सकते हैं इसको, चूहा खा जाएगा तो फिर तो कोई ले ही नहीं पाओगे ऐसे तो। ये देखो इस पर भी जाली, इसको भी चूहा खा जाएगा। और जो पहले लिए थे ना उसमें भी जाली था, उसको तो चूहा नहीं खाया। इधर भी कुछ आर्टिकल्स हैं, मुझे पता है इसमें से भी पसंद नहीं आएगा है ना। पता था आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं क्या मतलब। मतलब कैसा भी हो आएगा ही नहीं, ये कौन सी बात है। हाँ उधर भी तो है वो। जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगे। साइज तो साइज देख, अब पहन के देख लो जो फिट बैठ रहा है बढ़िया है। डेकाथलॉन में एक चीज़ अच्छी लगती है मेरे को कि ये जो, हाँ ये देखो कमेंट सेक्शन में बताओ सही लग रहे हैं नहीं सही लग रहे। और मैं ये कह रहा था कि डेकाथलॉन में एक चीज़ सही लगती है कि जैसे ये बहुत सारे यहाँ पे गेम्स रखे हुए हैं जिसको हम खेल के, ठीक है, फील करके हम उसको परचेज कर सकते हैं। मैं भी खेल रहा हूँ इसको। सॉरी साइलेंस, कोई बात नहीं, खेलना तो आता है पर कैसी चॉइस अभी। कमेंट सेक्शन में बताओ इनकी चॉइस कैसी लग रही है आपको। मेरे को तो हंसी आ रही है अभी, मैं स्लो इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर मचाने का अलाउ है नहीं। और शोर मचाने के अलाउ रहना भी नहीं चाहिए। वही वाले अच्छे लग रहे थे मेरे को तो। ये क्या चीज़ है, अच्छा टेबल टेनिस का वो आ गया पसंद है? ये वाला तो फाइनली भैया को यही वाला पसंद आया। चलो तो इसके भी लिंक करते हैं। एक बोतल भी लेनी थी मेरे को, बोतल भी लेनी थी, अब इसमें से तो पसंद नहीं है मेरे को वो रही। इसमें देखते हैं, इसको पकड़ना। इसमें दो ही कलर हैं केवल, ये लड़कियों वाले कलर लग रहे हैं मेरे को। पैरेट कलर ये ठीक लग रहा है थोड़ा, वैसे ये ब्लैक होता तो ज़्यादा सही लगता। कितने लीटर की साइज भी है क्या इसमें? एक लीटर पता नहीं, एक लीटर नहीं है ये, पता नहीं, यही ठीक है एक ही ले ले रहा। अरे वो वाला कलर सही नहीं लग रहा, ये वाला कलर सही नहीं लग रहा, ये सही लग रहा। अरे कैसे ना दिखाओ, डर जाएंगे व्यूवर। तो लो जी एग्जिट हो चुका है, बाय बाय। और अभी चलते हैं डायरेक्ट, खैर घर पे क्या जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं। मॉल काफ़ी टाइम बाद आया था तो
तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते क्या ओपन है क्या नहीं है, जो भी सीन है। वैसे तो सारी चीज़ें बंद ही लग रही है, ये पता नहीं सिनेमा ओपन होगा कि नहीं। देखो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना वो होती है कैमरे में इतने बिजी हो गया मैं, उधर चला गया था उतरने वाले पे लिफ्ट में। एक्सप्लोर क्या करना, आधे से ज़्यादा मॉल तो बंद ही है, कुछ चीज़ें ही खुली है जो मेरे काम की है नहीं। और अब देखो यही है, अब तो घर ही जाना पड़ेगा डायरेक्ट। अब जूते ले लिए, बॉटल ले लिया है और अब डायरेक्ट चलते हैं घर पे। वैसे बारिश ने तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। मैं सोच रहा था थोड़ा सा मॉल का इधर उधर और भी थोड़ी सी क्लिप डालेंगे, मॉल के बारे में बताएंगे। अभी तो रात होने वाली है तो डायरेक्ट चलते हैं घर पे। पानी तो अभी भी बरस रहा है। घर कैसे जाएंगे अब भाई, बारिश रुकेगी तभी चलेंगे। ऐसे ही चलो, ये देखो नज़ारा देखो आप। ज़्यादा नज़ारा मत देखो पता चले कैमरा भीग जाए। तो बाहर तो बारिश हो रही है, अब क्या सीन है। भैया को थोड़ी शर्ट भी लेनी, शर्ट लेनी है टी शर्ट लेनी है, टी शर्ट तो भैया को लेनी है शर्ट। और बाहर अभी तो पानी बरसा है, तो एक काम करते हैं कैमरा बंद करते हैं और यहाँ पे जो लेना है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरे मॉल में जाते हैं, अगर ओपन होगा तो वहाँ से ले लेते हैं। बाकी अभी कैमरा बंद करता हूँ, फिर क्योंकि ट्रैवलिंग में तो मैं शूट नहीं कर सकता, पानी बरस रहा है कैमरा भीग जाएगा। ये विजय सेल लगी है, ये विजय से याद है, ये विजय माल्या तो नहीं है दोबारा से उसी नाम से चला रहा हूँ पता नहीं। यहाँ भी सब कुछ बंद है, ये देखो बाहर से तो लग ही रहा है, अब अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। ऐसे मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो बंद ही होंगी शायद, ये यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, जब कोविड नहीं था तो यहाँ पे बच्चे आराम से झूले झूलते थे और मौसम के मज़े लेते थे। लेकिन अब कोविड की वजह से तो भाई साहब सारी मस्तियाँ ही दूर हो गई। क्या बंद हो गया, कितने बज गए, 8 बजने वाले भाई। अच्छा 8 बजे बंद हो जाता है, तो अभी तो बजने वाले हैं ना ऐसे। ओके ये रहा ना मुफ्ती का ये है और ओ पिज़्ज़ा हट ये देखो सारे बंदे जाने इसमें नहीं, ये देखो मेरा ऐसा लग रहा है कि सारे जो भी ब्रांड हैं वो छोड़ के भाग गए। तो अभी तो बारिश हो रही है बाहर, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, दौड़ लगाते रहिए, पसीना बहाते रहिए और जूस पीते रहिए, जूस यानी कि सेक। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Tonight.